सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक पुलिस ऑफिसर की तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन तस्वीर वायरल होने के पीछे की वजह पुलिसिया कार्रवाई नहीं बल्कि एक सुंदर चेहरा है। दावा है ये खूबसूरत चेहरा पंजाब पुलिस की SHO का है, लेकिन तस्वीर का सच क्या है यह अगले 2 मिनट में साफ हो जाएगा। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पिछले कुछ दिनों में ये सबसे ज्यादा शेयर की जाने वाली तस्वीर है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तस्वीर की चर्चा है और चर्चा का कारण है ये खूबसूरत चेहरा और इस चेहरे की पहचान। दावा है कि ये पंजाब पुलिस की SHO हरलीन कौर हैं। और जब सोशल मीडिया पर लोगों ने वर्दी में इतनी खूबसूरत महिला पुलिस को देखा तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लोगों ने क्या क्या लिखा ये देखिए। ट्विटर पर इंद्र कुमारी ने लिखा, पंजाब पुलिस की हरलीन मान से गिरफ्तार होने के लिए सब लाइन में खड़े हैं। वही शिवेंद्र लिखते हैं, SHO हरलीन मान के लिए मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखेंगे ऐसे ही कमेंट्स के साथ इस तस्वीर को लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये पंजाब पुलिस की कोई पुलिस ऑफिसर ही है या कहानी कुछ और है? हमने पड़ताल की तो सामने आया तस्वीर का पूरा सच। गूगल इमेज सर्च पर जब इस महिला की तस्वीर को डाला गया तो इस महिला की पहचान हरलीन कौर नहीं बल्कि कायनात अरोड़ा के तौर पर हो रही थी। और ज्यादा जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये तस्वीर मॉडल और अभिनेत्री कायनात अरोड़ा की है, जिन्होंने ग्रैंड मस्ती और खट्टा मीठा जैसे बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। लेकिन अगर आप अब भी सोच में पड़े हैं कि ये अभिनेत्री है तो भला इनकी तस्वीर पंजाब पुलिस के SHO के नाम से क्यों वायरल हो रही थी, तो इसका जवाब खुद कायनात अरोड़ा से ही सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कायनात अरोड़ा और मेरा जो रोल है हरलीन मान का फ्रॉम द फिल्म जग्गा जियोंदा है, जहाँ मैं SHO का रोल निभा रही हूँ, SHO का किरदार निभा रही हूँ फिल्म के अंदर, वो काफी वायरल हो गया। मैं कोई रियल लाइफ हरलीन मान नहीं हूँ। ABP न्यूज को ये वीडियो भेजने से पहले कायनात अरोड़ा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस बारे में सफाई पेश की। कायनात सोशल मीडिया पर उनके तस्वीर को लेकर जो कमेंट बाजी चल रही है उससे काफी परेशान हो चुकी हैं। इसीलिए हमारी पड़ताल में पंजाब पुलिस की SHO का दावा झूठा साबित हुआ है। इसीलिए आपसे अपील है कि शेयर करने से पहले थोड़ा सतर्क रहें। बच्चों की बोली में आतंक की गोली का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। और वायरल सच में आज एक ऐसे वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसमें 4 बच्चे अपने ही देश हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हाथ में लकड़ी की बंदूक पकड़कर खड़े इन बच्चों की बोली में आतंकवाद की गोली चलती दिख रही है। वीडियो देखने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं, क्या वाकई इन बच्चों के मन में नफरत का बारूद भरा हुआ है? अगर हां तो बच्चों के दिमाग में ये जगह किसने दी, क्यों भरी है ये नफरत? चूंकि ये वीडियो देश की छवि और कश्मीर के हालात पर एक बड़ी प्रतिक्रिया है, इसीलिए जानना जरूरी है कि वीडियो में जो दिख रहा है वो झूठ है या सच। आखिर क्या है देश को झकझोरने वाले वायरल वीडियो का सच, आइए जानते हैं। कमांडर एम जयशुक, इसी डिस्ट्रिक्ट कमांडर, इसका सोपत पारे दरवाजे पर शहीद का सोचा। टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में दिख रहे बच्चों के मुंह से निकल रहे शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। ये शब्द आपको झकझोर कर रख देंगे। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, लेकिन अपने ही देश के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं। हमने वीडियो में दिख रहे बच्चों के चेहरे छिपा दिए हैं। भले ही बच्चे जहर उगलते दिख रहे हों, लेकिन अब ये बहुत छोटे हैं और इनकी पहचान सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। आखिर इन बच्चों को भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कौन उकसा रहा है? आखिर कौन है जो इन्हें आतंकियों को अपना गुरु मानने की सीख दे रहा है?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 1 मिनट 31 सेकंड के इस वीडियो को देखकर खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता। वीडियो शुरू होता है तो धुंध में आगे बढ़ते 4 बच्चे दिखाई पड़ते हैं। बच्चे नारा लगा रहे हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। ये बच्चे आजादी का नारा लगा रहे हैं। बच्चे नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनमें से 2 बच्चों के हाथ में नकली बंदूक दिखाई पड़ती है। न सिर्फ नकली बंदूक बल्कि बच्चे आतंकी संगठन अलकायदा के कमांडर मूसा जैसे आतंकियों के नाम भी लेते हैं। आखिर इन मासूमों के मुंह में ये जहरीले बोल किसने भरे और इन्हें नकली बंदूकें थमाकर देश विरोधी काम किसने करवाया? आखिर ये बच्चे आतंकियों का पैगाम क्यों दे रहे हैं? आखिर ये बच्चे पाकिस्तान बनाने का नारा क्यों लगा रहे हैं? वीडियो में 15 सेकंड बाद अपने हाथ में लाल बंदूक लेकर बाईं तरफ खड़ा बच्चा आगे आता है। बच्चा बिल्कुल आतंकियों के अंदाज में धमकी देना शुरू करता है। बच्चे की बातें सुनने के बाद यकीन हो जाता है कि इस मासूम के मन में अपने ही रखवालों के लिए कितना जहर भरा हुआ है। वीडियो में बच्चे की आवाज के अलावा किसी और शख्स की आवाज भी सुनाई दे रही है। शायद यही शख्स वीडियो बना रहा है। वो बच्चों को हल्की आवाज में कुछ निर्देश भी दे रहा है। बच्चा बोलना जारी रखता है। वो बताता है कि वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर है और हाथ में बंदूक पकड़कर खड़ा दूसरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। समझ में नहीं आता कि आखिर ये बच्चा खुद को एक आतंकी संगठन का कमांडर क्यों बता रहा है। वो सुरक्षा बलों को चेतावनी क्यों दे रहा है? वो आतंकियों का साथ क्यों दे रहा है? खुद को आतंकी संगठन जैश का कमांडर बताने वाला ये बच्चा कश्मीर में मौजूद पुलिस वालों से अपील भी करता है। बोलने वाला बच्चा चुप हो जाता है। लगता है वीडियो खत्म हो गया, लेकिन तभी सफेद रंग की जैकेट में दिख रहा बच्चा पीछे से आगे आता है और नारा लगाता है। वीडियो देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या यही कश्मीर की हकीकत है? क्या कश्मीर का हर बच्चा अपने अंदर हिंदुस्तान के लिए इतनी नफरत पालता है? क्या कश्मीर की बर्बादी के पीछे ऐसा ही नाबालिग जहर है? क्या सचमुच इनके मन में इतना जहर है कि ये खुद के देश को बर्बाद करने में लगे हैं? आतंकी संगठन का कमांडर बता रहे हैं खुद को? सवाल तो है, लेकिन इन सवालों का जो जवाब मन में कौन रहा है वो परेशान करता है। परेशान होने की वजह है कि ये कोई पहला वीडियो नहीं है जिसमें बच्चे अपने ही देश के खिलाफ जहर उगल रहे हो। इससे पहले भी ऐसा वीडियो आ चुका है जिसकी पड़ताल ने होश उड़ा दिए थे। इसी साल 20 मई को हमने कश्मीर की बर्बादी के नाबालिग जहर का वायरल सच दिखाया था, जिसमें भी ऐसे ही बच्चे ऐसी ही बातें करते हुए दिख रहे थे। हम क्या चाहते, आजादी बार मिलेगी, आजादी है क्यों न मिलेगी, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी ये जंग जंगे आजादी। हम क्या चाहते आजादी, सामने कितने भाग जाए हमारी कश्मीर का, आजादी छोड़ो।
आजादी का मतलब क्या है? आजादी कश्मीर होगा, आजादी जब कश्मीर होगा आजादी, हम क्या चाहते हैं? वो मारते हैं ना हमारी फौज को, हमारी भाई, हमारी फौज है HM हिजबुल मुजाहिदीन। इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जो इलेक्शन है ना, जो जब भारत जीतता है वो बनाते हैं, वो है ना, नहीं मानते जो ये कश्मीर जाएगा फिर हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? अभी भी हिंदुस्तान नहीं है तो पहले सुनो, कश्मीर जब जाएगा जम्मू जम्मू जब जाएगा कश्मीर, वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए हम बताते हैं आपके आपके आजादी चाहिए। हमारी पड़ताल में ये वीडियो सच साबित हुआ था। अब सवाल ये है कि जो ताजा वीडियो हमने आपको आज कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया, वो वायरल वीडियो सच है या नहीं? पड़ताल का जिम्मा हमने सौंपा अपने श्रीनगर संवाददाता आसिफ कुरैशी को, जिन्होंने शुरुआत वीडियो में बोली जा रही बातों की सच्चाई जानने से की। आपको बता दें कि वीडियो में बच्चों ने करीमाबाद का नाम लिया है। करीमाबाद दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पड़ता है। बच्चों ने नावेद और नसीर पंडित का नाम लेकर जिस घटना का जिक्र किया है वो वाकई हो चुकी है, लेकिन बच्चे जिन मुनीर खान को SHO कहकर संबोधित कर रहे हैं वो SHO नहीं बल्कि IGP यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। घटनाएं तो सच है, लेकिन वीडियो का सच क्या है? वीडियो के पीछे कौन है? इन बच्चों के मुंह में ये जहरीली जुबान कौन डाल रहा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम सीधे कश्मीर के IGP मुनीर खान के पास पहुंचे। हमने उनसे वायरल वीडियो का सच पूछा तो उन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। ये सारा कुछ स्टेज मैनेज करवाया जाता है मिलिटेंट्स के थ्रू। ये सारा कुछ स्टेज मैनेज करवाया जाता है, इन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है और मिलिटेंट इस्तेमाल करते हैं, या जो उनका OGW नेटवर्क है वो इस्तेमाल करते हैं ग्लैमराइज करने के लिए मिलिटेंसी को, इसको ड्रामेटाइज करने के लिए OGW नेटवर्क और मिलिटेंट्स बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं कि उनको लकड़ी की बंदूक बना के दे देते हैं और उनको नारेबाजी करवाते हैं। एक वो क्या कहते हैं वो उस किस्म का साइकोसिस दिमाग में क्रिएट करने के लिए लोगों में कि बच्चे भी इनकी मुहिम के साथ हैं, उस टाइप का। दिस इज ऑल मिलिटेंट एंड OGW। आपको बता दें कि IGP मुनीर खान जिस OGW की बात कर रहे हैं उसका मतलब है ओवर ग्राउंड वर्कर, यानी वो लोग जो जमीनी स्तर पर आतंकियों की मदद करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होते। ABP न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि आतंकी अपने प्रचार और लोगों के बीच पैठ बनाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे वीडियो बनवाते हैं। आतंकी या फिर उनके OGW यानी लोगों के बीच काम करने वाले आतंकियों के मददगार सुरक्षा वालों को धमकाने वाले वीडियो बनाकर साजिश के तौर पर इनका इस्तेमाल करते हैं। वीडियो के लिए बच्चों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इनके दिमाग में इस तरह की बातें होती हैं या नहीं इसका कोई सबूत हमें नहीं मिला। हमारी पड़ताल में बच्चों की बोली में आतंक की गोली वाला वीडियो सच साबित हुआ है। सोने के गहने में छिपे लोहे का वायरल सच। नमस्कार, ABP न्यूज पर वायरल सच के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। वायरल सच में आज हम बात करेंगे उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर भारतीयों के पहले प्यार यानी सोने के बारे में हैरान करने वाला दावा कर रहा है। दरअसल एक वीडियो के जरिए गहना व्यापार की एक प्रतिष्ठित कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दावा हो रहा है कि शुद्ध सोने के नाम पर ग्राहकों को लोहे की मिलावट वाले सोने के गहने दिए जा रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, क्या है इस कहानी का सच, सामने आएगा हमारी पड़ताल के बाद। वायरल वीडियो नंबर एक, वायरल वीडियो नंबर दो, वायरल वीडियो नंबर तीन, वायरल वीडियो नंबर चार। चारों वीडियो में सोने की शुद्धता पर सवाल उठाए गए हैं। चारों वीडियो दावा करते हैं
कि सोने में लोहा मिला है। चारों वीडियो दावा करते हैं कि गहने देश के नामी ज्वेलर्स के हैं। इन वीडियो के जरिए दावा हो रहा है कि 100% शुद्ध सोने के गहनों का वायदा करने वाली बड़ी कंपनियां आपको लोहे की मिलावट वाला गहना बेच रही हैं। ये दावा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए जरा सोशल मीडिया पर वायरल चारों वीडियो देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल पहला वीडियो, ये वीडियो महज 16 सेकंड का है, जिसमें कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण है। इसे ब्रेसलेट या कलाई चेन के नाम से भी जानते हैं। ब्रेसलेट को काली ट्रे के ऊपर रखा गया है। कोई व्यक्ति ब्रेसलेट के ऊपर सफेद रंग की कोई चीज घुमा रहा है। दावा है यह सफेद चीज मैग्नेट यानी चुंबक है। वीडियो में 5 सेकंड बाद सोने का ब्रेसलेट चुंबक बताई जा रही चीज की तरफ यानी ऊपर उठने लगता है और बाईं तरफ खिसकता दिखता है। दावा है सोने के ब्रेसलेट में लोहे की मिलावट हुई है और इस मिलावट की वजह से सोने का गहना चुंबक जैसी चीज से चिपक रहा है। नामी आभूषण कंपनी के गहनों में लोहे की मिलावट का दूसरा वीडियो दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि आपके मेमोरी में एक फैक्ट जो मौजूद है कि सोने में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो चुंबक से चिपके। अब आइए आपको दिखाते हैं दिल दहला देने वाला दूसरा वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल दूसरा वीडियो, 55 सेकंड का ये वीडियो शुरू होता है तो अरबी देशों के पहनावे में 3 लोग दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने एक सफेद गहरी ट्रे में सोने का चमकता हुआ हार दिखाई देता है। 7 सेकंड बाद वीडियो में धातु काटने वाली कैंची से हार को काटते हुए एक हाथ दिखाई देता है। हार के कटे हुए हिस्से के अंदर से भूरे रंग की कोई चीज निकाली जाती है। दावा है ये भूरी चीज लोहा है जिसे गहनों के अंदर भरा गया है। इस हिस्से के बाद हार का और हिस्सा काटा जाता है। हार के बीचों बीच लगे मोती को जब हटाया जाता है तो उसमें से भी वही भूरे रंग की चीज निकलती है। ऐसा किसी एक ट्रे में रखे गहने के साथ नहीं होता, बल्कि दावा है कि आसपास रखी गई 6 ट्रे में रखे हर गहने से यही भूरी चीज निकली है। दावा है सोने से बनाए गए कई गहनों में फिलिंग यानी भराव के तौर पर लोहे का इस्तेमाल किया गया है। सोने में लोहे की मिलावट का तीसरा वीडियो देखें। उससे पहले हम आपके दिमाग में मौजूद एक बात को बता दें कि सोना बेहद मुलायम धातु होता है और उसे गहने में तब्दील करने के लिए कुछ धातुओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें लोहा बिल्कुल नहीं होता। और अगर आप सुनार से उसकी जानकारी मांगते हैं तो उन धातुओं की जानकारी वो देता भी है। और अब आइए देखिए तीसरा वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल तीसरा वीडियो, महज 18 सेकंड के इस वीडियो में ठीक पहले वीडियो की तरह ही काली ट्रे में एक चेन रखी दिखती है। इसमें भी वही क्रिया दोहराई गई है जो पहले वीडियो में की गई थी। चेन के ऊपर कोई चीज घुमाई जा रही है। इस वीडियो में भी चेन के ऊपर घुमाई जा रही चीज की ओर चेन आकर्षित होती दिख रही है। दावा है इस सोने की चेन में लोहे का इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल चौथा वीडियो, 2 मिनट 3 सेकंड के इस वीडियो में व्यक्ति शायद अरबी भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन वीडियो में उनके हाथों में एक सोने का कंगन दिखाई देता है। व्यक्ति जैसे ही कंगन के पेच खोलना शुरू करता है, पहले एक फिर दूसरा, दोनों गहनों के अंदर से पतली छड़ नुमा कोई चीज निकलती है। दावा है कंगनों के अंदर से निकली ये पतली छड़ नुमा चीज लोहे की है। दावा है लोहे की इन छड़ों से कंगनों को भार देने की कोशिश की गई है। इन चारों वीडियो के साथ एक संदेश है जिसमें लिखा जा रहा है कि ये चारों वीडियो कुवैत में भारत के कल्याण ज्वेलर्स की दुकान के हैं। हम यहाँ दोहरा दें कि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। कल्याण ज्वेलर्स का नाम वीडियो के साथ चल रहे सोशल मीडिया संदेश में है। नाम बड़ा है इसलिए
सोने में मिलावट का ये वीडियो सोशल मीडिया की नई सनसनी बन चुका है। लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर ये वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, रेडीमेड आभूषण खरीदने वाले स्नेहीजनों, अपनी आंखों से रेडीमेड आभूषण शोरूमों की काली करतूत देखो। सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शुद्ध सोने का वादा करके कोई मिलावटी सोना कैसे पकड़ा सकता है? खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी। कुछ सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। सवाल ये कि कहीं मुनाफे के लिए वाकई ग्राहकों को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? कहीं बड़े नाम का फायदा उठाकर शोरूम में मिलावटी गहने तो नहीं सजाए जा रहे? सवाल ये भी है कि कहीं कंपनी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए झूठे वीडियो का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? लेकिन किसी भी खबर पर सच और झूठ की मुहर लगाने से पहले उसकी तह तक जाना जरूरी है, इसलिए सच की तलाश में हमने पड़ताल शुरू की। हमने पड़ताल के लिए दो बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया। पहला, हमें ये जानना था कि वायरल वीडियो में जो दिख रहा है, जो कहा जा रहा है, उसके बारे में कल्याण ज्वेलर्स का क्या कहना है। दूसरा, हम किसी और सोने के काम करने वाले से वीडियो की सच्चाई जानना चाहते थे ताकि मन में कोई शंका न रहे। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमने सीधे मुंबई में कल्याण ज्वेलर्स की शाखा पहुंचकर उनकी तरफ से आधिकारिक बयान लेने की कोशिश की। साथ ही मुंबई के प्रसिद्ध जावेरी बाजार भी पहुंचे। जावेरी बाजार में हमने सोने के गहनों के व्यापारी कुमार जैन से बात की। हमने कुमार जैन को वायरल हो रहा वीडियो दिखाया। हमने उन्हें ये भी बताया कि सोने के गहनों में मिलावट का दावा करता ये वीडियो कल्याण ज्वेलर्स की दुकान का बताया जा रहा है। हमने कुमार जैन से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि सोने के गहनों में लोहे का इस्तेमाल फिलिंग या सहायक धातु के रूप में किया जा सके। सोने का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 1200 रहता है और लोहे का मेल्टिंग पॉइंट है वो 300-400 रहता है। तो जब उसको सोल्डर करने जाएंगे, एक चेन के टुकड़े को दूसरे चेन से सोल्डर करने जाएंगे, तो लोहा अंदर से गल के मेल्ट हो जाएगा। तो और वो पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह से वो लोहा उसके साथ रहेगा, तो वो चेन बन भी नहीं सकती है। कुमार जैन ने साफ किया कि सोने के गहनों में किसी भी तरह से लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन गहने में जब मोती को हटाया गया था उसके अंदर जो कुछ निकला था जिसे लोहा बताया जा रहा है, आखिर उस वीडियो का सच क्या है? आखिर क्या है जो उस कुंदन के नीचे से निकल रहा है? आज भी हमारे शोरूमों में ऐसी कई चीजें पड़ी हुई जिसमें कुंदन लगा रहता है और कुंदन में उसमें लाख भरते हैं, तो हमेशा जब वो ज्वेलरी जब बेचते हैं तो उसके उसमें इस तरह से एक टैग लगा रहता है, जिस टैग में क्लियर लिखा रहता है कि भी इस चीज की क्रॉस वेट जो है 112 ग्राम है, उसमें 5 ग्राम 6 ग्राम कुंदन लगे हैं या 2-3 ग्राम उसमें मोती लगी है। ऐसे उसको सेपरेट किया जाता है और लास्ट में नीचे नेट वेट आता है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं और इसकी वजह से कस्टमर कभी चीट नहीं होता। कुमार जैन ने हमसे बात करते हुए कहा कि कल्याण ज्वेलर्स गहनों के विक्रेताओं के रूप में एक स्थापित नाम है, आखिर कोई अपनी ही साख और नाम से खिलवाड़ क्यों करेगा? ये बिल्कुल बेवजूद और विजुअल बात है। उसका कारण बताता हूँ कि जिस तरह से किसी बड़े ज्वेलर्स का नाम इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो उनके बारे में अगर सिंपल भी बात करें तो उनका इतना बड़ा काम है प्योरिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, उनके बिजनेस वाइज, कि आदमी करना तो दूर है, उसके लिए सोचना भी बहुत बड़ी दूर की बात है। कुमार जैन ने अपनी तरफ से कल्याण ज्वेलर्स को क्लीन चिट दे दी, लेकिन इस बारे में खुद कल्याण ज्वेलर्स का क्या कहना था ये जानना अब भी जरूरी था। हमें उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं मिला, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर TS कल्याण रमन ने लिखित स्पष्टीकरण देकर सभी दावों पर विराम लगा दिया। कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में लिखा है, कल्याण ज्वेलर्स भारत और खाड़ी के देशों में एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद ब्रांड है। हमारे शोरूम में मौजूद सारी चीजें भारत में BIS और मध्य पूर्व के भी सरकारी अधिकरण से पूरी शुद्धता जांच की हुई होती है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हमारे कुवैत के शोरूम में सोने की क्वालिटी पर सवाल खड़ा करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रतिनिधि समय समय पर ज्वेलरी शोरूम जाकर क्वालिटी चेक भी करते हैं। हमारे शोरूम में नकली सोने का दावा करते हुए जो वीडियो फैलाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। ABP न्यूज की पड़ताल में सामने आया, सोने के गहने में किसी भी तरह से लोहे की मिलावट नहीं की जा सकती। कल्याण ज्वेलर्स के नाम से प्रचारित किए जा रहे इस वीडियो का कल्याण ज्वेलर्स से कोई संबंध नहीं है।
गहनों में सरकार के तय किए हुए मानक के अनुसार हॉलमार्किंग की जाती है। इस हॉलमार्किंग में किसी भी तरह की मिलावट निकलने पर सजा का प्रावधान है। इसलिए हमारी पड़ताल में सोने के गहनों में छिपे लोहे का दावा करने वाला वीडियो झूठा साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जो पूरी दुनिया को अपनी कला से कायल बना रहा है। लड़का क्या कर रहा है और उसका वीडियो आखिर वायरल क्यों हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया का नया कलाकार बनकर उभर रहा है ये पाकिस्तानी लड़का। ये लड़का न सिर्फ लोगों का मनोरंजन कर रहा है बल्कि कुछ लोगों को शायद डरा भी रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक छोटा सा 10-12 साल का दिखने वाला लड़का भला किसी को कैसे डरा सकता है, तो जरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। अब ये बच्चा कौन है, क्या करता है, इसका नाम क्या है, इसकी तरफ बढ़ते हैं, उसका हैरत अंगेज टैलेंट आप भी देखिए। जी बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद खान। अहमद आप क्या कर लेते हो? मैं अपनी आईज को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये कैसे करते हो आप? मैं करके दिखाऊं? जी ये करके दिखाएं। बस इतना कहने के बाद ये पाकिस्तानी बच्चा जो करता है वो देख कर आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। बच्चा अपनी आँखों के ऊपरी हिस्से को जैसे ही उंगलियों से दबाता है एकदम से बाहर निकल आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बच्चे ने अपनी आंखें हैरतअंगेज तरीके से बाहर निकाल ली हैं। ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये बिल्कुल लाइव वीडियो जा रही है, कोई आर्टिफिशियल वर्क नहीं है। बेटा इसको जरा सा मूव करो, घुमाओ। अब आंखें इधर उधर घुमाने को कहा जाता है तो बच्चा फौरन दाई आंख को बाहर की तरफ निकाल कर पुतली को गोल गोल नचाने लगता है और फिर दाई आंख को बंद करके बाई आंख को भी ठीक उसी तरह से घुमाने लगता है। मुझे ये बताओ ये कोई बीमारी है आपको या ये नेचुरल टैलेंट है? ये नेचुरल है, शुरू से ही है। तो आपको किस तरह पता चला कि मैं इसको कर सकता हूँ? ऐसे ही मैं शीशे में मतलब अपना बाल बना रहा था, एकदम से मैंने उंगली लगाई तो ये बार ही आ गई। अच्छा। उसके बाद फिर मैं करने लगे। और सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार भी कहा जाता है ये लड़का बड़ी सहजता के साथ अपनी दोनों आंखें बाहर निकाल कर कमाल दिखाने लगता है। अगर मुझे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा कुछ मिले तो मैं भी जाऊंगा और करके दिखाऊंगा। साथ ही लड़का वीडियो में ये भी बताता है कि ऐसा ही एक लड़की ने किया था जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि तुर्की के इस्तांबुल में किम गुडमैन नाम की इस लड़की ने अपनी आंखों को 12 मिलीमीटर तक बाहर निकाल कर पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के अहमद खान और तुर्की के किम गुडमैन को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोई कला है या फिर बीमारी, कहीं ये स्टंट आंखों का दुश्मन तो नहीं बन जाता। और इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में हम पहुंचे वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर महिपाल सचदेव के पास जो कि एम्स के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर आंख रहती है, तो कई बार जो आंख है वो थोड़ी सी लचीली होती है। जो आपका सॉकेट है उसका साइज अगर थोड़ा कम हो, जो बनावटी है मतलब जो आईबॉल का ग्लोब है वो सॉकेट में अच्छी तरह टिका नहीं होता, तो उस केस करके वो अगर कोई उसको जैसे अगर दबाया जाए जैसे ये बच्चा वीडियो में दबा रहा है तो उसको वो बाहर निकाल सकता है। एक सॉकेट है जिसके अंदर आंख पड़ी हुई है, तो ये अगर इसका मिसमैच है, ये सॉकेट छोटा है तो आंख वैसे ही थोड़ी बाहर है, तो ऐसे प्रेशर डाल रहा है तो वो काउंटर ट्रैक्शन से बाहर आ रही है। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर महिपाल ने आसान भाषा में ये समझा दिया कि आंखों का बाहर निकलना ना ही कला है और ना ही बीमारी, ये आंखों की बनावट के तरीके पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई बार बार ऐसा करता है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, जरा वो भी सुन लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि जो आई है वो पीछे से ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होती है, जो ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर कंप्रेशन या उसके ऊपर खिंचाव पड़ने से वो ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो सकती है, यानी कि उसमें नुकसान हो सकता है जिससे कि बच्चा अपनी विजन लूज कर सकता है। डॉक्टर ने साफ शब्दों में बताया कि ऐसा करने से आंखों को नुकसान पहुंचता है और कई बार वो नुकसान इतना ज्यादा होता है कि आंखों की रोशनी भी छिन जाती है। लेकिन हम अपने दर्शकों से यह अपील करते हैं कि वो इस तरह का कोई काम न करें।